नमस्कार, एके इलेक्ट्रिकल HVAC में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे EHU का पावर वायरिंग किस प्रकार होता है, यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट का पावर वायरिंग किस प्रकार होता है, ये कैसे काम करता है, ये हम लोग जानेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारा मेन सप्लाई है 415 वोल्ट, ठीक है, AC 415 वोल्ट AC यहाँ पर सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आइसोलेटर में पावर सप्लाई आ रहा है। आइसोलेटर में पावर सप्लाई आ रहा है। उसके बाद से यहाँ पर सिंगल फेस प्रोमीटर में, उसके बाद से यहाँ पर कॉन्टेक्टर में, उसके बाद से ओवरलोड रिले यहाँ पर मोटर में आ रहा है, और ये हमारा VFD है। VFD में भी हम पावर सप्लाई दिए हुए हैं, यानी कि 3 फेज में यहाँ से सप्लाई 3 फेज चल रहा है, यानी कि 415 वोल्ट 3 फेज, यानी कि 3 फेज 415 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद से यही सप्लाई हमारा आइसोलेटर से आउट हो रहा है, तो हमारा SPP, इसको सिंगल फेस प्रोमीटर बोलते हैं। उसके बाद से यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्टर में, ओवरलोड रिले में, मोटर में, उसके बाद से यहाँ पर VFD में भी, VFD से मोटर में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर तो 415 वोल्ट हमारा सप्लाई आउट हो रहा है, ठीक है ना, आउट होके कहाँ जा रहा है, आइसोलेटर में। तो आइसोलेटर का काम क्या है, मेक एंड ब्रेक। आम भाषा में उसको ब्रेकर बोला जाता है, ऑन या ऑफ करने के लिए, ठीक है ना, इसको मेक एंड ब्रेक बोला जाता है। इलेक्ट्रिकल में बोलने का भी तरीका कुछ अलग रखना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो, आप अगर इलेक्ट्रिशियन सीख रहे हैं तो प्लीज लैंग्वेज को फॉलो करना जरूर सीखिए, ठीक है। तो अब मेक एंड ब्रेक, आइसोलेटर का काम क्या है, मेक एंड ब्रेक, ठीक है ना। तो मेक एंड ब्रेक का काम है, उसके बाद से यहाँ से पावर सप्लाई आउट हो रही है, यानी कि 3 फेज ही पावर सप्लाई आउट हो रही है। 3 फेज इन हो रही है, 3 फेज आउट हो रहा है, 3 फेज आउट हो रहा है। उसके बाद से आ रहा है SPPR, ठीक है ना, SPPR, तो इसको बोलते हैं सिंगल फेस प्रोमीटर, ठीक है ना, सिंगल फेस प्रोमीटर रिले, ठीक है। तो सिंगल फेस प्रोमीटर का काम क्या है, पहला फेस सीक्वेंस ये डिटेक्ट करता है, ठीक है ना, फेस सीक्वेंस डिटेक्ट करता है। और सिंगल फेस प्रोमीटर मेन मोटर के प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, ये बस ध्यान में रखना है कि सिंगल फेस सेफ्टी डिवाइस है, इसको मोटर के प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। सिंगल फेस प्रोमीटर मोटर के प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। जो कैसे किस किस प्रकार से प्रोटेक्शन करता है ये जानिए। पहला, ये जो है फेस को जो है सीक्वेंस देखता है कि फेस सीक्वेंस सही है कि नहीं, यानी कि फेस सीक्वेंस का मतलब होता है कि RYB, ठीक है ना, वो सही जा रहा है कि नहीं हमारा। जैसे कहीं अगर मोटर उल्टा चलता रहता है तो क्या करते हैं कि आप चेंज कर देते हैं फेस को, कि मतलब मोटर चले, ठीक है ना। इस चीज को भी ये डिटेक्ट करता है, यहाँ पर ये सिंगल फेस प्रोमीटर इस चीज को भी डिटेक्ट करता है, ठीक है। साथ में अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, ठीक है ना, यानी कि वोल्टेज मॉनिटरिंग का भी काम करता है, इसलिए इसको वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले भी कहा जाता है। सिंगल फेस प्रोमीटर को भी फेस फेलियर रिले, वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, और सिंगल फेस प्रोमीटर इसी का नाम है, जिसको सिंगल फेस प्रोमीटर बोला जाता है, जो आप शो ऑफ हो रहा है स्क्रीन पर, इसी का नाम है सिंगल फेस प्रोमीटर, फेस फेलियर रिले, वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, ये सिंगल फेस प्रोमीटर इतना काम करता है, ठीक है। मान के चलिए कि हमारा 3 फेज सप्लाई इन हो रहा है, ठीक है, 3 फेज सप्लाई इन हो रहा है। अगर बाय दिवे किसी कारण बस फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, या एक सप्लाई से पावर नहीं आ रही है, तो क्या करता है, उसको भी ये डिटेक्ट करता है, ठीक है ना, इससे भी ये डिटेक्ट करता है। तो उसको डिटेक्ट करेगा तो आगे जो है हमारे मोटर को सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑफ हो जाएगी, मोटर बंद हो जाएगी। इसलिए क्योंकि मोटर जो है इसका प्राइस जो है ये हाई स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी एंड हाई प्राइस में आते हैं, इसलिए इसका सेफ्टी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, ये फेस सीक्वेंस का काम करता है, ठीक है, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज जो है, यानी कि वोल्टेज को कैसे, जैसे वोल्टेज हाई वोल्टेज हो गया तो ओवर वोल्टेज में आ जाता है, ठीक है, अंडर वोल्टेज यानी कि कम हो जाता है। देखिए क्या होता है,
440 वोल्ट से प्लस जाता है तो हाई वोल्टेज में आता है, ठीक है ना। और 380 380 से अगर नीचे में आता है तो अंडर वोल्टेज में आता है, 415 रहेगा तो नॉर्मल वोल्टेज रहेगा, यानी कि सही है, अब ये चलेगा, ठीक है। अब आगे जो है इस पर जैसे जैसे फेस फेलियर का हो गया, वोल्टेज का हो गया, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज एक फेस फेल हो गया, तो इसके लिए सिंगल फेस प्रोमीटर लगाया जाता है सेफ्टी के लिए। उसके बाद से आगे देखिए कॉन्टेक्टर, कॉन्टेक्टर भी जो है सेफ्टी प्रोवाइड करता है, इसको भी सेफ्टी के लिए ही लगाया जाता है, ठीक है। जिसमें 13 नंबर और 14 नंबर जो है एनो रहता है कॉन्टेक्टर में, जो शो ऑफ हो रहा है कॉन्टेक्टर में कि 13 नंबर और 14 नंबर एनो रहता है, ये कॉन्टेक्टर है, ठीक है। तो कॉन्टेक्टर में 13 नंबर 14 नंबर एनो रहता है। उसके बाद से इसमें जो है एक क्वाइल रहता है, कॉन्टेक्टर क्वाइल जिसको बोला जाता है, वो क्वाइल रहता है जिसमें पावर सप्लाई आती है, तो क्या होता है एनर्जाइज होता है, क्या बनाता है मैग्नेट बनाता है, एनर्जाइज जब होगा तो मैग्नेट बनाएगा, अब मैग्नेट बनाएगा तो ये पत्ती जो हल्का जो है आउट में दिख रही है ये आपस में जुड़ जाएगी, तभी सप्लाई ओवरलोड रिले को मिलेगा, उसके बाद ही सप्लाई ओवरलोड रिले को मिलेगा, ये है ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले जिसे कहीं भी आप देखिएगा तो ज्यादातर ओवरलोड में, ये ओवरलोड का काम है कि मोटर अगर ओवरलोड में चलती है ना, इसमें भी यहाँ पर 95 और 96 जो है एनसी है, ठीक है ना, 95 और 96 जो है एनसी है, और 97 और 98 एनो रहता है, 97 और 98 एनो रहता है, ठीक है। तो ओवरलोड रिले भी स्क्रीन पर शो ऑफ हो रहा है, आप देखिए इसमें हमेशा देखिए समझने वाली ये बात है कि कहीं भी जाइएगा तो क्लाइंट आपसे ये बात जरूर पूछेगा कि सिंगल फेस प्रोमीटर का काम क्या है, आइसोलेटर का काम क्या है, कॉन्टेक्टर का काम क्या है, यानी ओवरलोड रिले का काम क्या है, तो या VFD का काम क्या है, ये जरूर पूछेगा कि आपको जो है कैसे, मतलब ये इसका वर्किंग है, ये क्या क्या काम करता है। अगर आप हमारे वीडियो को पहले देख रहे हैं, नए देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अब आगे जो है हमारा यहाँ पर ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले से हमारे मोटर में आ रहा है, ठीक है। अब इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो ये VFD है, तो VFD में भी RYB तीन फेज है, यहाँ पर देखिए RYB ये VFD है, तो VFD का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में भी टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 और UVW जो मोटर के लिए आ रही है। देखिए तो ये जो क्या होता है, ये आप थिंकिंग करेंगे कि ये भी तो ओवरलोड रिले से भी मोटर में आ रहा है और VFD से भी मोटर में आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए स्टैंड बाय इमरजेंसी के लिए लगा रहता है, जैसे इमरजेंसी या मान के चलिए आप ऑटोमेटिक और मैनुअली, ऑटोमेटिक और मैनुअली इसको आप बोलिए, तो ऑटोमेटिक और मैनुअली जैसे मान लीजिए कि VFD अगर खराब हो गया, VFD किसी कारणवश खराब हो गया, तो AC तो हमारा बंद रहेगा नहीं, AC तो AC को चलाना है, तो उसके लिए मैनुअली जो है यहाँ पर ये जो है पावर सप्लाई दिया गया है, ऑटोमेटिक चलेगा तो VFD के थ्रू चलेगा, तो VFD के थ्रू ज्यादातर VFD के थ्रू ही चलाया जाता है, इसलिए VFD के थ्रू इसलिए चलाया जाता है, इसमें जो है फ्रीक्वेंसी कम कर दिया जाता है, ठीक है, कम कर सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी अगर कम करेंगे तो स्टार्टिंग टार्क जीरो से शुरू होता है, स्टार्टिंग टार्क जीरो से शुरू होता है, स्टार्टिंग टार्क बढ़ता नहीं है। अब बाय द वे अगर ये जैसे VFD से नहीं चलेगा, अब डायरेक्ट इसको चलाएंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग टार्क ज्यादा होगा, यानी कि जितना वोल्टेज आप मोटर ले रही है तो स्टार्टिंग पीरियड में 6 से 7 गुना वोल्टेज बढ़ जाता है, स्टार्टिंग पीरियड में यानी कि 6 से 7 गुना बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है जो है मैकेनिकल इंजुरी या इलेक्ट्रिकल इंजुरी हो सकता है, इसका डर रहता है, ठीक है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजुरी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है VFD के थ्रू देखिए ये पूरा सिस्टम जो है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के मेथड से ही चल रहा है, ये पूरा सिस्टम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के मेथड से चल रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है,
इसका कंट्रोल वायरिंग में हम आपको अगले वीडियो में कंट्रोल वायरिंग बताएंगे कि कैसे इसका कंट्रोल वायरिंग होता है। जैसे यहीं से जैसे 95 से 96 NC है, तो जैसे ऑन ऑफ ट्रिप, जैसे हमारा कंडीशन क्या है मोटर का, कि मोटर ऑन में है या ऑफ में है या ट्रिप में है, इसका इसके कंडीशन के लिए जो है ऑन ऑफ ट्रिप का इंडिकेशन लगाते हैं। बाहर से हम आदमी देख सकता है, कोई भी देख सकता है कि हमारा मोटर ऑन है, ऑफ है या ट्रिप है, उसके लिए इंडिकेशन लगाया जाता है। तो ये देखिए 95 और 96 जो है एनसी रहता है और 97 और 98 एनओ रहता है। तो यहीं से क्योंकि ये तो आपस में जुड़ा रहता है, ये दोनों आपस में, क्योंकि एनसी है ये आपस में जुड़ा रहता है, लेकिन 97 और 98 ओवर में आपस में जुड़ा नहीं रहता है। तो यहाँ से सप्लाई उसको लूप करके 98 में दे दिया जाता है, तो ट्रिपिंग के टाइम जो है वो 97 में दे दिया जाता है, तो ट्रिपिंग के टाइम वो 98 को सप्लाई नहीं देता है, तो ट्रिपिंग का इंडिकेशन होता है। तो ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।